Okay, how are you? Nice, Shweb. Yes, sir. Okay, that's Yes, good. I am nice, sir. How are you, Jawad? Assalamualaikum, Good morning, everybody. morning, sir. ओके कल का मैं कहा समझ गया, कल का मसला नहीं हुआ। मैं कहा काम उसने भेजा है मुझे, जवाब नहीं दे। शुएब आप मुझे भेज दीजिएगा जो होमवर्क है, नेगेटिव सेंटेंसेस, तो यस सर। वो आप खुद बनाएं, उसको खुद चेंज करें, ठीक है ना। एक टेंस ले रहे हैं आप, उसको नेगेटिव में चेंज करें सेंटेंस में, फिर दूसरे टेंस में चेंज करें, फिर ओके नेगेटिव सर। सेंटेंस में, इस तरह आप जिससे मैंने कल आपको करवाया था इसी तरीके से, ठीक है ना। तो बाकी इसमें प्रॉब्लम तो कोई नहीं है ना, आपको नेगेटिव क्लियर हो गए ना सेंटेंसेस आपके, ओके वो बस मामला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आपका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में का जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में है कि उसमें डज नॉट लगाते हैं आप, अगर प्रोनाउन ही शी और इट हो प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, हम डज नॉट लगाते हैं अगर प्रोनाउन ही यस शी सर। या इट हो, और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें सब के साथ, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, तो डिड नॉट, सब के साथ डिड नॉट है, ठीक है ना। ये ख्याल करना है आपने, बाकी सारे हैप्पी वर्क के साथ आप नॉट लगा रहे हैं वो आपको मसला नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है ना। तो ओके मैं भेज दीजिएगा आप। तो आज हम शुरू करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। ओके आज ये क्लास होगी हमारी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की क्लास होगी और पूरी क्लास होगी, कंप्लीट करेंगे इसको हम, 1 घंटे क्लास होगी, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कुछ ओके सर। सिस्टम अपडेट करना पड़ता है आपको पता है, 40 मिनट के बाद, तो वो 1-2 मिनट में वो हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो उसको तो हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम शुरू कर रहे हैं इसको आज, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। स्पेलिंग का बहुत ख्याल करना है आपने, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये आपके हैं सवालिया जुमले, इसके आप देखें बेसिक रूल, देखें इसके यस सर बोले। ओके जी, एज यूजुअल इंग्लिश में आई विल नोट यू, जैसे आपने यू रोट इन इंग्लिश लास्ट रूल्स, आई टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। लेट अस स्टार्ट नंबर फर्स्ट। इन दीज सेंटेंसेस In these सेंटेंसेस sentences, आगे सर। we ask question. We ask, ask होता है पूछना, सवाल पूछते क्वेश्चन हैं। In these sentences, we ठीक है ask questions. Full stop. Number two. Rule number two. We use question mark. Must. In these sentences, we use question mark. मस्ट इन इंडीड। दिस सेंटेंसेस। क्वेश्चन मार्क बताइए आपको ये होता है, यस सर। इसके साथ ही लिखें आप, इसके साथ ही लिखें नंबर टू रूल जो है, वी यूज क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ सेंटेंस। वी यूज क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ सेंटेंस, जुमला के आखिर में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन सवालिया निशान को। वी यूज क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस आगे सर। सेंटेंस नेक्स्ट रूल, वी यूज हेल्पिंग वर्ब्स, वी यूज हेल्पिंग वर्ब्स इन द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस। वी यूज हेल्पिंग वर्ब्स इन द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस। स्टार्टिंग स्टार्टिंग आगे ऑफ सर। सेंटेंस, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग स्पेलिंग STARTING, यस सर। आगे STARTING। बोले सर। आगे जगह लिखें, ये बेसिक रूल हो गए ना। अब हमने शुरू करने हैं, अच्छा ये भी लिख लें आगे, ऑल टेंसिस कैन चेंज। नंबर नेक्स्ट रूल नंबर फोर,
All tenses can change in the interrogative sentences. All tenses can change in the interrogative sentences. अब शुरू करेंगे हम examples. इसकी example शुरू करें. ये last वाला दोबारा repeat करें सर. Okay. All tenses आपके 12 जो जो सीखे हैं आपने. All tenses, yes. Can change in the interrogative sentences. All tenses can change in the interrogative sentences. यानी कि तमाम tenses जो हैं वो सवाली जुमला में तब्दील हो सकते हैं. Okay. Okay. Examples. Example शुरू करें इसकी. Let you start examples. एग्जाम्पल आपकी इस रूल्स की रोशनी में होंगी. नंबर वन, दे प्ले द मैच. अच्छा, मैं आपको एक बात के लिए कहना चाहता हूं, वो ये है, आपको मैंने नेगेटिव सेंटेंस इससे पहले करवाए हैं कि आपको इंटरोगेटिव जो है सेंटेंस बनाने में आसानी हो, क्योंकि उसके एपिंग वर्ब वही है जो नेगेटिव के हैं, वही इंटरोगेटिव में इस्तेमाल होंगे. ठीक है? हाँ, ये ख्याल करना, जैसे वहां पे डज नॉट है, डिड नॉट है, यहाँ पे डज शुरू में आ जाएगा, डिड शुरू में आ जाएगा. ठीक है ना? वही अपिंग आपके यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के, सर नॉट हटा देंगे वहां से आप. चलिए शुरू करते हैं. क्या है? दे प्ले द मैच. दे प्ले द मैच, इसका जो है इंटरोगेटिव. डू दे प्ले द मैच, क्या वो मैच खेलते हैं? डू दे प्ले द मैच. डू दे प्ले द मैच, क्वेश्चन मार्क लगा दें सवालिया निशान एंड पर. डू दे प्ले द मैच, क्या वो मैच खेलते हैं? यस सर. अब चेंज करें दूसरे टेंस में इसको. दे आर प्लेइंग द मैच, वो मैच खेल रहे हैं. दे आर प्लेइंग द मैच. दे आर प्लेइंग द मैच. आर दे प्लेइंग द मैच, क्वेश्चन मार्क. लिख लिया सर. आर दे प्लेइंग द मैच, क्वेश्चन मार्क लगा दें. अच्छा, ये ख्याल करें जब भी आप जुमला शुरू करते हैं, पहला जो अल्फाबेट है वो आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़ी एबीसी में लिखना है, ये ख्याल करना है आपने. ठीक है ना? जब कोई नाम आएगा फिर भी नाम का पहला जो अल्फाबेट है कैपिटल लेटर में लिखेंगे आप, कोई भी नाम होगा, कोई भी नाउन होगा. ठीक है? चलें आगे चलें. नेक्स्ट. ओके सर. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे. दे हैव प्लेड द मैच, वो मैच खेल चुके हैं. दे हैव प्लेड द मैच. दे हैव प्लेड द मैच. लिख लिया सर. हैव दे प्लेड द मैच, इंटरोगेटिव सेंटेंस है. हैव दे प्लेड द मैच, क्या वो मैच खेल चुके हैं? बना लिया सर. क्वेश्चन मार्क. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दे हैव बीन प्लेइंग द मैच फॉर वन ईयर. दे हैव बीन प्लेइंग द मैच फॉर वन ईयर. लिख लिया सर. जी, इसको है. हैव दे बीन प्लेइंग द मैच फॉर वन ईयर. Have they been playing the match for 1 year? Question mark. क्या वो एक साल से मैच खेल रहे हैं? Next. लिख लिया आपने दोनों जवाब शोएब? Yes, sir. एक मिनट सर. आगे चले. They played the match. Past perfect tense पता ही आपको. They played the match. उन्होंने मैच खेला. They played the match. Did they play the match? ये वर्ब की पहली फॉर्म लग जाएगी. प्ले. डिड दे प्ले द मैच, क्या उन्होंने मैच खेला? डिड दे प्ले द मैच. जी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने. यस सर. चलिए आगे. दे वर प्लेइंग द मैच, वो मैच खेल रहे थे. दे वर प्लेइंग द मैच.
Were they playing the match? क्या वो मैच खेल रहे थे? Playing the match. Were they playing the match? Were की फाँद तो चौथी रहेगी ना यहाँ पर तो. Were they playing the match? क्या वो मैच खेल रहे थे? लिख लिया सर. Okay. आगे है. They had played the match. वो मैच खेल चुके थे. They had played the match. वो मैच खेल चुके थे. Had they played the match? क्या वो मैच खेल चुके थे? Question mark. लिखिए सर. Question mark. They had been playing the match for 1 year. They had been playing the match for 1 year. वो एक साल से मैच खेल रहे थे या खेलते रहते थे. They had been playing the match for 1 year. Full stop. Had they been playing the match for 1 year? Question mark. Next. They will play the match. Full stop. Will they play the match? Question mark. They will play the match, sir. Will they play the match? Yes. Will they play the match? Kya match khelenge? Dekh liye, sir. Chalein aage. They will be playing the match. Wo match khel rahe honge. Full stop. They will be playing the match. They will be playing the match. Will they be playing the match? क्या वो मैच खेल रहे होंगे? Will they be playing the match? लिख लिया सर. Question mark. डाल लिया. They will have played the match. वो मैच खेल चुके होंगे. They will have played the match. Full stop. They will have played the match. Okay. Will they have been playing the? ये क्या लिखे मैंने कराया था आपको? They will have played the match. Will they have? Yes, sir. Will they will have played the match? Will they have played the match? क्या मैच खेल चुके होंगे? Will they have played the match? Question mark. They will have been playing the match for 1 year. वो एक साल से मैच खेल रहे होंगे. They will have been playing the match for 1 year. Will they have been playing the match for 1 year? Will they have been playing the match for 1 year? क्या वो एक साल से मैच खेल रहे होंगे? लिख लिया सर. क्वेश्चन मार्क. डाल लिया. अब आपको मैं दे रहा हूं कुछ ना टेंसेस. इसी तरीके से करना है आपने. आपको मैं दे रहा हूं 3 टेंसेस दूंगा. आपने साथ साथ नेगेटिव सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस में करना है और साथ साथ टेंस को चेंज करना है. ठीक है? ओके सर. आप लिखें जरा. आप प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आज. जरा अच्छा लिखें आपके आई शैल बी टेकिंग द लंच. I shall be taking the lunch. ठीक है. पहले आप इसमें करें ना. बाकी सब में करें. आप फिर मुझे बताएं. साथ से करते रहें. टेंस चेंज करते रहें. इंटरोगेटिव सेंटेंस में करें. फिर टेंस में चेंज करें दूसरे में. पहले ये करें ना. फिर दूसरा देता हूँ बाद में. पहले ये करें आप. फिर आपसे पूछूंगा बारी बारी आप दोनों से. I shall taking the match. I shall be taking the lunch. मैं दोपहर खाना ले रहा हूँ. I shall be taking the lunch. शाबाश करें इसको. अगर सब लिखा हुआ है आपको देख के करें बेशक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी. प्रैक्टिस हो रही है नहीं और आपका प्रैक्टिस हो रही है.
सर इसका नेगेटिव ये बनेगा आई शैल नॉट बी टेकिंग द लंच. नहीं आप क्या कर रहे हैं आप नेगेटिव में साझा करेंगे आप सर इसका नेगेटिव भी बनाना सर क्या नेगेटिव करना है आप एक काम करें करें छोड़ें मैं आपको नेगेटिव और क्वेश्चन सुनो आपको रोज आसानी हो जाएगी आपके लिए यस सर आप एक तो करें पहले नेगेटिव में करें फिर आप करें इंटरोगेटिव में अब ठीक है यस सर साझा कर रहे हैं ना आप सर आई शैल नॉट बी टेकिंग द लंच बिल्कुल 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 दोनों में करें सारे टेंस भी चेंज करते रहें सर इसका क्वेश्चन बनेगा जो इंटरोगेटिव शैल आई बी टेकिंग द लंच आगे क्वेश्चन मार्क आई शैल बी टेकिंग द लंच आई शैल नॉट बी टेकिंग द लंच ओके शैल आई बी टेकिंग द लंच सर क्वेश्चन शैल यस सर यही बनाया मैंने इंटरोगेटिव अब सिंपल बनाएंगे ना वो अब नेगेटिव नहीं करना है हमें यस सर वो मैंने निकाल दिया आपने जो बताया ये बिल्कुल यस सर नेक्स्ट जुमला बोल दें सर शेल आई बी टेकिंग द लंच पूरे में सब में करें ना सब में चेंज करें इसको सब में चेंज करें ना आप भी आपके और टेंस रहते हैं 11 रहते हैं अभी आपके साथ से इसको करते रहें सब में कोई मिसिंग ना हो जाए अच्छा यस सर
कितने हो गए आपके? सर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का कर रहा हूं सर। पूरे कर लेना 11, एक मैंने करवा दिया ना आपको एडवांस, बाकी 11 में करना है आपने साथ से नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो मिसिंग ना हो देखिएगा, ये तो काउंट कर लीजिएगा, आप गिन लीजिएगा। सर टेक ये जो टेकिंग है सर इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी सर? टेकिंग यस सर। आप कौन सा टेंस कर रहे हैं? सर प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हाँ ठीक है, टेकिंग सेकंड फॉर्म टुक है ना, टुक टी डबल ओके। यस सर। सर थर्ड फॉर्म इसकी क्या है? इसकी टेकिंग की सर। टेकन टेकन टी ए के ई एन
कितने हो गए आपके शुए फाजिल? सर फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस कर रहा हूं सर। शुए आप कितने रह गए? सर पास्ट परफेक्ट मेरे सर तीन रहते हैं। तीन है, अच्छा। हमारे कितने के जवाब? मेरे चार रह गए सर। चार रहते हैं? सर ओके ओके, करो करो, अभी प्रैक्टिस हो रही है, ये आपके लिए बड़े काम आएगी आपके।
हैं. हो गया? यस सर, हो गया सर. जी मैं आपसे, आप मुझे बताइए साथ साथ ना, आप शुएब आप शुरू करें फिर जवाब शुरू करेगा. यस सर. छह आप बताएं, छह जवाब बताएगा. ठीक है, छह आप बताएं, छह जवाब बताएगा. जी ओके सर. शुएब, आई टेकन द लंच, ये जो जुमला है सर, आई टेक द लंच. एक मिनट ठहरो. मैंने आपको कहा था कि आई शैल बी टेकिंग द लंच, इसको चेंज करना था आपने नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, फिर दूसरा चेंज करना था. यस सर, ये किया ना सर वो. यस सर, आई शैल नॉट बी टेकिंग द लंच. आई शैल बी टेकिंग द लंच, इसको क्या किया आपने? आई शैल, इसको नेगेटिव है सर इसका, आई शैल नॉट बी टेकिंग द लंच. बिल्कुल ठीक है. आगे, शैल आई बी टेकिंग द लंच. बिल्कुल ठीक है. क्वेश्चन मार्क आया है, इंटरोगेटिव. यस सर, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सर. ओके, आगे आगे सर, आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको चेंज किया जो. क्या सर? आई टेक द लंच, आई डिड नॉट टेक द लंच. नहीं नहीं, ये आपने किसमें किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज किया आपने. यस सर. तो आई टेक द लंच होगा ना? वो तो है सर, वो तो है ना सर, आई टेक द लंच है वो तो. हाँ. नीचे मैं बता रहा हूँ सर, नेगेटिव बता रहा हूँ. I do not take the lunch. ठीक है ठीक है. आगे, do I take the lunch? आगे question mark. ठीक है आगे सर, आगे present continuous tense है सर. ठीक है. I am taking the lunch. जी. उससे आगे सर negative है, I am not taking the lunch. उससे आगे interrogative है, am I taking the lunch? ओके, ठीक है. उससे आगे सर present perfect tense है सर. I have taken the lunch. Have I taken the lunch? Question mark. I have not taken the lunch. Negative कहाँ गया? Negative. इसके बाद है ना सर, I have not taken the lunch. नहीं, पहले नेगेटिव करना फिर इंटरोगेटिव करना है ना आपने. चलें ठीक है, आगे चलें. उससे बाद सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. जी. आई हैव बीन टेकिंग द लंच फॉर टू डेज. आई हैव नॉट बीन टेकिंग द लंच फॉर टू डेज. हैव आई टेकिंग द लंच फॉर टू डेज? नो नो, हैव आई बीन. हैव आई बीन? Have I been taking the lunch for 2 days? Question mark. जी, आप शुरू करो. जवाब आप बताओ. जवाब. Yes sir. Past. Sir. Past से शुरू करो. Past से शुरू करो sir. Past indefinite tense sir. I took the lunch. I took the lunch. ठीक है. I took the lunch. I did not take the lunch. जी, ठीक है. Interrogative. इसका interrogative है. Did took the lunch? Did I take the lunch? Did I take the lunch? Question mark. Past continuous tense sir. I आप बताओ शुएब. I do taking the lunch. नहीं नहीं गलत है. कौन सा सर? कौन सा सर? Past continuous tense. Past indefinite. नहीं, past continuous tense. Past. Present. Past continuous. I was taking the lunch. I was taking the dinner. लंच या डिनर जो भी है. चलो yes, आगे. सर, लंच है सर, ये डिनर मैंने. नेगेटिव. यस सर. वाज आई टेकिंग द लंच? ये आई वाज नॉट टेकिंग द लंच. ओके ठीक है. आगे, ये नेगेटिव है सर. आगे चेंज करो जवाब. जवाब चेंज करो. वाज आई टेकिंग द लंच? ये जवाब. अब जवाब का नंबर है. जवाब आप बताओ. पास्ट. यस सर. पास्ट परफेक्ट टेंस में.
past perfect tense mein I had take the lunch. Taken. Third form aayegi na. I had. Yes sir. I had taken the lunch. Had I taken the lunch? Had I taken the lunch? Aage. Iska negative hai sir. I had taken the lunch. Not taken the lunch. नहीं नहीं इंटरोगेटिव बनाओ जरा इसका शुभेब आप बताओ पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव सर हैड आई टेकन द लंच हां हैड आई टेकन द लंच ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क जी अब बताओ भाई फ्यूचर की तरफ बताओ जवाब आप बताओ फ्यूचर का शुरू करो आप फ्यूचर के शुरू करो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जैसे कि आई शैल taken the lunch no I shall take the lunch I shall take the lunch